हाय, मेरा नाम सुमन रेड्डी। फिल्म की बात करें, किस तरह की स्टोरी है? ये तो देखने से थ्रिलर लगेगा, पर इसमें सब एलिमेंट्स है। थ्रिलर है, हॉरर है और रोमांस है और मिस्ट्री है। सो एक्साइटिंग रहेगा सबको। पहले सीन से एंड तक सब लोग एक्साइट रहेगा। सो सारे एलिमेंट्स मिक्स कर चुका हूँ। तो सो एक जोनर के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं, सब जगह पे सब रह गए। इमोशन है, मैसेज भी है। सो सबका एक एक का लेवल में है। सो इट वॉन्ट डिस्टर्ब द स्टोरी और द मूवी। सो एवरीथिंग अब रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट हैज़ बीन टेकन वेरी केयर एंड जो भी लिखा हूँ वो शूट पे करके रखा हूँ। सो फाइनल आउटपुट। सो I believe you like the movie. हर हॉरर फिल्म में कहीं ना कहीं बोल्ड सीन होते हैं। इस फिल्म में कोई ऐसा सीन है? सॉरी सर, कोई बोल्ड सीन है इस फिल्म में? हर फिल्म में कोई ना कोई बोल्ड सीन होते हैं। नो बोल्ड सीन्स, बिकॉज मेरा मेजर मकसद है कि ये फिल्म में लेडीज़ ज़्यादा आने के लिए, क्योंकि उसका लेडीज़ रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा है। फीमेल को मोटिवेट करने जैसा फीमेल से की तरफ से मैसेज हुआ। बिकॉज आई रेस्पेक्ट लेडीज़ वेरी वेल, सो आई कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ सीन्स मे बी इन फ्यूचर और एनी वे। नहीं, लड़के में क्यों लिया आपने इसमें? नए लड़के सर, नई स्टारकास्ट में क्यों लिया आपने इसमें? नया हीरो, नया। एक्चुअली इट्स ए फीमेल ओरिएंटेड मूवी। सो नवनीत तो नोन था, तभी दो पिक्चर कर चुके हैं। सो नया बोले तो ऑडिशन बहुत लोगों से किया। मिनिमम आई रिमेंबर 200 लोगों से लिया था, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ हॉलीवुड पिक्चर बहुत देखता हूँ, उसमें कंटेंट हमको मालूम याद रखेगा, पर हीरो हीरोइन नया चेहरा रहेगा। सो फ्रेश रहेगा बोल के मैं पहला सब नया को ले लिया, जो भी फ्रेश है। सो कंटेंट के हिसाब से सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नवनीत है। बात में सुनने में किस तरह किरदार है आपका? जो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आपके किरदार के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, एंड वो बहुत ही इंथुजियास्टिक लड़की है। एंड जैसे कि आपको टाइटल फिल्म का बता ही रहा है, एकता वेयर सोल मीट्स द बॉडी। सो वो कुछ रिवील कर ही रहा है। एंड ये फिल्म एक अच्छी थ्रिलर और हॉरर मिस्ट्री है। सो आई थिंक ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। आपके साथ में सह कलाकार कौन है? मेरे साथ रॉबिन सोही हैं, जिनके साथ फिर काम करने में बहुत मज़ा आया। उनकी पहली फिल्म थी। दोनों पंजाबी है, कैसे केमिस्ट्री रही साथ में? केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। एंड जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत बार ऐसे होता था कि स्पेशली जब आप पंजाब में नहीं होते, बाहर आपको कोई लोग ऐसे मिल जाएं जिनसे पंजाबी में बात करने को मिले, तो हम ज़्यादातर सेट पे ऐसे ही होता था कि पंजाबी में बात करते थे और सडनली कोई हमसे बात करेगा तो हम पंजाबी में जवाब देंगे। एंड वो कई बार ऐसे, ओ नहीं सॉरी, गलत हो गया कुछ। एक तक की जब बात करें, हॉरर मूवी है, अक्सर एडल्ट या फिर इसको एडल्ट नहीं कहेंगे या फिर बोल्ड सीन होते हैं, इसमें कोई ऐसा सीन है? बोल्ड सीन आपने दिया? नहीं, कौन सी हॉरर फिल्म में बोल्ड सीन्स होते हैं? मोस्टली रहता है। मैंने तो नहीं देखे हॉरर फिल्म में बोल्ड सीन्स। अच्छा, ओके। नहीं है ऐसा कुछ भी। एक लाइन में क्या स्टोरी है फिल्म की? एक लाइन में फिल्म की स्टोरी ये है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बट जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि ये एक जर्नलिस्ट की का सफ़र है, जहाँ से वो ह्यूमन राइट्स से लड़ने के बाद एक अजीब सी मिस्ट्री में फंस जाती है, जिसके बारे में उसको पहले अपनी लाइफ में कभी पता ही नहीं होता। एंड सडनली उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, एंड कैसे उसमें से बाहर निकलती है। एंड जितने भी हमारे फिल्म में कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से उसको हेल्प करते हैं, एंड उसमें से बाहर निकलने में इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सबके साथ में? सॉरी, शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ शूट हुआ ये? ये शूट आलपी में हुआ है, केरला में, एंड बैक वाटर्स के पास में। और वहाँ पे बहुत खूबसूरत लोकेशंस थे। केरला हमें सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड कभी कभी बीच में चैलेंजिंग भी था जब मौसम ख़राब होता था, बट या इट वॉज़ अ गुड शूट। हेलो, मेरा नाम अवनीत कौर है। अवनीत कौर? यस, अवनीत। एकदम किस तरह किरदार है आपका, आपके रोल के बारे में बात करें? मेरा कैरेक्टर एक लड़की का कैरेक्टर है जो एक टीनेजर है, इनोसेंट लड़की है, बहुत ही गरीब परिवार से है और शी इज़ अ वेरी स्वीट प्योर सोल और उसकी जर्नी के बारे में है पूरा। तो बस इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल क्या होता है उसके साथ मैं अभी बता नहीं सकती। कैसी केमिस्ट्री है सबके साथ में? पंजाबी चार पंजाबी है इस फिल्म में, कैसी केमिस्ट्री? बहुत अच्छा रहा। जब हम लोग होटल में मिले थे, आई रिमेम्बर पापा मैं सब जितने भी रॉबिन भैया सब वी स्टार्टेड टॉकिंग इन पंजाबी और एकदम ऐसा हो गया था जैसे यू नो रिलेशन में हम लोग सब लोग, बहुत मज़ा आया। पहले क्या प्रोजेक्ट कर चुके हैं? इससे पहले मैंने मूवीज़ में अगर बोलूँ तो मैंने मर्दानी की है यशराज प्रोडक्शन के लिए, दैट वाज माय डेब्यू। और मैंने एक दो और मूवीज़ की है जो इस ईयर मोस्टली रिलीज़ होंगी और मैंने शोज़ किए हैं, टीवी सीरियल्स किए हैं, एक मुट्ठी आसमान जी टीवी पे, लेटेस्ट मेरा था चंद्रनंदिनी ऑन स्टार प्लस चैनल और मैं एड्स वगैरह करती हूँ। क्या उम्मीद है आपको? छोटे पर्दे से लोग बड़े पर्दे में जंप करते हैं, आपने एकता से जंप किया, इससे पहले भी मर्दानी की है आपने। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एकता मैं कहूँगी कि एक बहुत ही डिफरेंट मूवी है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज जब मुझे सुमन सर ने बताया था ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है आपकी, आई वॉज सो एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज दिस इज़ सो समथिंग डिफरेंट एंड विच आई हैवंट डन बिफोर। सो एकता से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एक ऐसी स्टोरी है जो एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही यू नो आप कनेक्ट करेंगे इस स्टोरी से और आप अगर आप जाके आगे देखेंगे मूवी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको स्टोरी पता चलेगी इस लड़की की, एकता की, और क्या होता है उसके साथ उसकी लाइफ में। तो एकता से बहुत सबको ही बहुत उम्मीद है क्योंकि सबने ही अपने अपने कैरेक्टर्स पे इतना काम किया है, इतना मेहनत की है सब लोगों ने। सो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रॉबिन सोही है। बेसिकली इसमें मैं राहुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो बेसिकली एक लंदन बेस्ड लड़का होता है, वो एलपी केरला में आकर अपना बिजनेस सेटअप करता है, एक रिसोर्ट ओपन करता है। तो वहाँ पर हमारी फिल्म की हीरोइन नवनीत कौर आती है, तो फिर उसके साथ मेरा रोमांटिक ट्रैक स्टार्ट होता है और उसके बाद बहुत सारी मिस्ट्री है, मर्डर है, तो उसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो उस चीज़ के ऊपर फिल्म है। तो उसमें बहुत सारे एनिमेट हैं, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, थ्रिलर भी है, हॉरर भी है, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप सबको देख के नहीं चाहिए। मेरे साथ को आर्टिस्ट नवनीत कौर लगी। बहुत अच्छा था। बेसिकली वो भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए भी थोड़ा मैं उनके साथ ओपन हो गया और दोस्त की तरह हम लोगों ने काम किया, तो बस यही था। बेसिकली मुझे 5 साल हो गए बॉम्बे और मैंने ABSS थिएटर ग्रुप से एक्टिंग कोर्स और प्लेस किए हैं, स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक और स्टेज शोज बहुत सारे किए हमने लखनऊ में, मुंबई में, और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस की और बहुत सारे एड्स वगैरह, डिजिटल एड्स और बहुत सारे ऐसा किया। उसके बाद मेरे को पहली फिल्म मिली थी एकता, तो जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, और उसके बाद मैंने एक राजा बरोड़िया फिल्म की है जो अभी 16 मार्च को रिलीज़ हुई है, तो ये अब सेकेंड हो रही है रिलीज़। स्टोरी एक लड़की की कहानी है, एकता जिसका नाम है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या होता है और उसके आगे फिल्म जाती है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत फास्ट मूविंग फिल्म है, आपको एक सेकंड के लिए सोचने का वक्त नहीं मिलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको इतनी मतलब फास्ट स्पीड में फिल्म बहुत ही मुश्किल मिलती है बॉलीवुड में, और इसलिए साउथ वाले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे से फिल्म लिखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम भिक्षमैया संगम है। इस फिल्म से आप एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या बताना चाहेंगे, अपना परिचय? मैं प्रोड्यूसर हूँ। सर बात करें इस फिल्म की, किस तरह की मूवी है, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए आपने तैयार किया है ये, क्या कहना चाहिए? पहले तो हम बिजनेस सोच के ही करा था, ये बिजनेस के लिए अपना भाई आते इधर अचानक के, वो हिसाब से मैं पिक्चर निकाल के पूरा कंप्लीट करके अपना महबूद भाई को, अपना प्रदीप भाई, वो हिसाब से बिजनेस कर रहे इधर। बिजनेस एंगल से जैसे फिल्म की जो स्टोरी है, हॉरर मूवी है, क्या लोगों को पसंद आएगी, क्या लगता है आपको? 100% पसंद आएगा पिक्चर।